जय हिंद दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजी स्टडी पे। दोस्तों भी हम लेकर आ गए जनरल अवेयरनेस की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले दोस्तों प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल जीके के बारे में। दोस्तों नेशनल गेम ऑफ मेजर कंट्रीज जीके के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 1 मार्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स से 1 क्वेश्चन आपके डिफेंस एग्जाम में होती है दोस्तों। चाहे नेवी MR हो गया, कोस्ट गार्ड DB हो गया, आर्मी हो गया या एयरफोर्स हो गया, जितने भी अभी स्पोर्ट्स रिलेटेड जीके करवा रहा हूँ बस उतना याद कर लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है मेरे भाई, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा सबसे पहला क्या कह रहा है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। नेवी MR के अंदर बहुत बार रिपीट क्वेश्चन, आर्मी CD के अंदर बहुत बार रिपीट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ स्पेन। दोस्तों एक का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर हो जाएगा सांड युद्ध हो जाएगा, ठीक ना। स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो क्या है, सांड युद्ध, जिसको बोलते हैं बुल फाइटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बुल फाइटिंग लिखा होगा या हिंदी में सांड युद्ध लिखा होगा, ठीक ना। तब क्या हो जाएगा दोस्तों, बुल फाइटिंग भी लिखा होगा, आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल यहां पर देखते हैं दोस्तों, पूछा गया USA का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ USA। दो का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, बेसबॉल हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। तो आप लोग याद रखेगा, इससे पहले वाले जो स्पोर्ट जीके मैंने करवाया था उसमें मैंने आप लोग को करवाए थे कि एक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितना होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लो यहां पर, जैसे हो गया दोस्तों बेसबॉल, तो बेसबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। तो ऐसे करके मैंने करवाया था नंबर ऑफ प्लेयर, ये वाला जीके तो अभी तक नहीं देखे हो तो उसको भी देख लेना, ठीक ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक। चलिए दूसरा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा, ठीक ना। तो तीन का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आइस हॉकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों क्या है, आइस हॉकी है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन जो है दो तरीके से बनेंगे, एक तो बनेंगे कि जैसे कनाडा का राष्ट्रीय खेल मतलब कि क्या है, और दूसरे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है और उसमें देश का नाम देगा, ठीक ना। तो दोनों तरीके से आप लोग याद रखेगा, दो तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं, बस यही दोनों तरीका है, ठीक। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोगों को पता है। 1000+ लाइक इस वीडियो पर रखते हैं टारगेट, पूरा कर देना आप लोग, ठीक ना, और अधिक से अधिक शेयर करना, बस आप लोग से इतना ही हम चाहते हैं। चलिए अगला सवाल यहां पर हम लोग देखेंगे, 4 नंबर, बहुत अच्छा सवाल और बहुत प्यारा सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, फटाफट से बता दीजिए क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, हॉकी है, आप लोग को पता होगा। अगला सवाल है रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ रशिया, ठीक है ना। ऑप्शन ए फुटबॉल, शतरंज और वेंडी, ऑप्शन बी वाटर पोलो, और ऑप्शन सी खो खो, और ऑप्शन डी नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फुटबॉल, शतरंज और बेंडी। अब कहो कि एक देश का तीन तीन मतलब कि जो होता है राष्ट्रीय खेल कैसे हो सकता है, एक ही होना चाहिए। देखो फुटबॉल उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन बहुत सारे बुक में आप लोगों को फुटबॉल देखने को मिलता होगा। बाकी बात शतरंज वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। शतरंज जो है जिसको चेस बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, वो ज़्यादा बहुत प्रसिद्ध है। और जो मेन अभी जो चल रहा है ना दोस्तों एग्जाम में, ज़्यादातर ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये वाले ऑप्शन बेंडी, ठीक ना। अगर देखो कि इन ऑप्शन तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन रहे, ठीक ना, जैसे कि आप लोग को ये फुटबॉल वहां पे ना देके सिर्फ शतरंज दे और बेंडी ना दे, तब क्या करोगे आप लोग, तो शतरंज वाले पे टिक लगाना। अगर आप लोगों को ना फुटबॉल दे ना शतरंज दे तो आप लोगों को किस पे टिक लगाना है, बेंडी वाले पे टिक लगाना। ज्यादातर अभी फेमस यही है बेंडी, ठीक ना। रूस का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, बेंडी, जो कि एक प्रकार के हॉकी की तरह ही खेल है, इसका नाम बेंडी है। तो आप लोग याद रखना बेंडी को ज्यादातर, ठीक ना। ज्यादा कोई भी पूछे कि रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है तो बेंडी याद रखना, बाकी बस शतरंज और फुटबॉल भी साथ ही साथ याद रख सकते हो, ठीक ना। ऑप्शन में ज्यादा यही आप लोगों को शायद देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे ज्यादातर आप लोगों को शतरंज देखने को मिलते हैं, ठीक, हर एग्जाम के अंदर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 6 नंबर, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ स्कॉटलैंड। दोस्तों 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रग्बी फुटबॉल, क्या हो जाएगा, रग्बी फुटबॉल। स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है दोस्तों, रग्बी फुटबॉल है। याद करते चलेगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान। 7 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीरंदाजी, ठीक ना। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो क्या है, तीरंदाजी है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर 8 नंबर, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना। 8 का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेबल टेनिस। चीन का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो क्या है, टेबल टेनिस है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल यहां पर 9 नंबर देखेंगे, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ फ्रांस। दोस्तों 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो क्या है, फुटबॉल है, तो आप लोग याद रखना। अगला सवाल 10 नंबर,
नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ नेपाल। 10 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डंडी वियो हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो डंडी वियो है, तो आप लोग याद रखना। अगला सवाल 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर सवाल, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंग्लैंड, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट हो जाएगा। इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो क्या है, क्रिकेट है, तो आप लोग को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ जापान। 12 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जूडो हो जाएगा। जापान का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों क्या है, जूडो है, तो आप लोग याद रखना। अगला यहां पर क्वेश्चन हम देखेंगे 13 नंबर दोस्तों। 13 नंबर सवाल बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 13 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है दोस्तों, क्रिकेट है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे दोस्तों, यहां पर 14 नंबर, 14 नंबर सवाल बोल रहा है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। 14 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्या है, हॉकी है, तो आप लोग याद रखना। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों 15 नंबर, 15 नंबर सवाल बोल रहा है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ मलेशिया। 15 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैडमिंटन हो जाएगा। मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो बैडमिंटन है, तो आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर, 16 नंबर सवाल बोल रहा है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। 16 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, कबड्डी हो जाएगा। बांग्लादेश का दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, कबड्डी है, तो आप लोग याद रखना। अगला सवाल 17 नंबर देखेंगे दोस्तों, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ श्रीलंका। 17 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, वॉलीबॉल हो जाएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो दोस्तों वो क्या है, वॉलीबॉल है, तो आप लोग याद रखना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 18 नंबर, 18 नंबर सवाल बोल रहा है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडोनेशिया। 18 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, बैडमिंटन। इंडोनेशिया का जो दोस्तों राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, बैडमिंटन है, तो आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 19 नंबर, 19 नंबर सवाल बोला है ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ ब्राजील। 19 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। ब्राजील का दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, फुटबॉल है, तो आप लोग याद रखना। और 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहां पे ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ ईरान। 20 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुश्ती हो जाएगा, ठीक है ना। ईरान का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो क्या है, कुश्ती है। तो ये बस 20 क्वेश्चन याद कर लो सभी देश के राष्ट्रीय खेल वाला, बस यही 20 में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आ जाएंगे, वही नेवी एमआर हो गया या कोस्ट गार्ड डीवी या एयरफोर्स या कोई भी डिफेंस एग्जाम, ज्यादातर रिपीट यही क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि आप देखोगे तो देश की जो संख्या है बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको जो ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो आप लोग के दो जो होते हैं ना पड़ोसी देश, उसका ज़्यादातर पूछा जाएगा राष्ट्रीय खेल या वहाँ का प्रधानमंत्री या वहीं से रिलेटेड ज़्यादातर पूछा जाता है। और मैं 20 यहाँ पर जो जीके मतलब कि कवर करवाया हूँ इसमें, वो सारे एग्जाम में पूछे गए जीके हैं और यही जीके आपके एग्जाम में आएंगे नेक्स्ट एग्जाम में, तो बस अच्छे तरह से याद कर लेना। और स्पॉट जीके के अगले पार्ट में मिलते हैं दोस्तों। और आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक ना। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, ये PDF आप लोग वहाँ पर फ्री में मिल जाएगा, एसजी स्टडी सर्च कर सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो, या लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं। अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, आईडी यहां पे शो हो रहा होगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं दोस्तों, जरूर फॉलो कर लेना सभी जगह जाके दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।